कुछ बात करेंगे मारूफ पाकिस्तानी स्टेज अदाकार उमर शरीफ की, जिनको दुनिया से रुखसत हुए 2 साल बीत गए हैं। उनकी आज बरसी मनाई जा रही है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उसके बाद हम बात करेंगे उनके साहबजादे जवाद उमर शरीफ हमारे साथ होंगे, तो उनसे कुछ यादें उनकी शेयर करेंगे। कह के बिखेरना किसी के चेहरे पर यह आसान काम नहीं होता, एक फ़न है जो कि फ़नकार ही जानता है, और उमर शरीफ से बेहतर ये फ़न कोई जानता ही नहीं था। दूसरा उमर शरीफ मैंने नहीं देखा, और बात करेंगे इस वक्त उनकी कुछ यादें शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनके साहबजादे जवाद उमर शरीफ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम जवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि बाप की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, जाहिर है ये रिश्ता ही ऐसा है, तो आपका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके चैनल का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं जहाँ तक बात अपने अब्बू से रिलेशनशिप की करूँ, मेरे अब्बू के साथ मेरा रिलेशनशिप ना बहुत अदब का था, बहुत खुलूस का था, बहुत एहतराम का था। हमने जब भी साथ में वक्त गुजारा तो एक अब्बू से हमेशा कुछ ना कुछ सीखा। उन्होंने सारी ज़िंदगी यतीमों की कफालत की है, हर किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है आगे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, थिएटर इंडस्ट्री हो या टीवी इंडस्ट्री हो। अब्बू ने जहाँ भी काम किया अपने साथ अपने सारे आर्टिस्टों को साथ लेकर चले, बल्कि उनको सिखाया भी एज अ टीचर, और एक टीम वर्क के साथ काम किया। अब्बू के साथ जो ताल्लुक़ था, मैं समझता हूँ कि मैं तो उनका बेटा भी था, मुलाजिम भी था, गार्ड भी था, मैनेजर भी था, ड्राइवर भी था, गुलाम था उनका। मैं सारी ज़िंदगी उनका अदब किया, उनकी खिदमत की, और जितना हो सकता था उतना ही उनकी उनकी खिदमत की हमने। और अब्बू ने हमें लोगों की मदद करना सिखाई, अब्बू ने एहसान करना सिखाया, अब्बू ने आजजी सिखाई। इतने अरूज पर पहुँच कर भी वो अपने आप को अपने अंदर बहुत सारा आजजी रखते थे। वो लोगों की मदद किया करते थे, मतलब हमारे घर पे कोई भी तशरीफ लाया अगर तो वो खाली हाथ ना गया, चाहे उसे फैज से नवाजा हो, पैसों से नवाजा हो, या किसी और चीज़ से, किसी अच्छी बात से नवाजा हो। अब्बू ने कोशिश की कि जो भी हमारे घर पे आया वो कुछ ना कुछ लेकर गया उनसे। उनके साथ आज 2 साल हो गए हैं। मेरे लिए तो हर एक दिन जो है वो बरसी जैसा होता है, हर एक लम्हा उनकी बरसी जैसा होता है। मैं उनको जितना मिस करता हूँ, शायद मैं उनका बेटा हूँ लेकिन मैं उनका फ़ैन भी सबसे बड़ा था। अब्बू ने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में एक सफ़ीर की हैसियत से ट्रैवल किया, एक एम्बेसडर की हैसियत से ट्रैवल किया, अपने से ऊपर पाकिस्तान को रखा हमेशा, जहाँ भी गए अपने से पहले पाकिस्तान। उनके स्टेज ड्रामास को अगर आप देखिए तो उसमें ज़रूर एक सोशल मैसेज होता था फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के मसाइल को बहुत मोहब्बत से, बहुत शुक्र कोटेड तरीके से वो प्रेजेंट करते थे आवाम के सामने और उनको हाईलाइट करते थे। अब्बू मेरे जो है जवाब, देखिए आपने जैसे कि बताया कि आप उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, तो फैंस ही होते हैं जो कि किसी भी कलाकार को, किसी भी फनकार को स्टार बनाते हैं। जाहिर है जब आप स्टार के साथ जुड़ी भी कोई भी चीज़ होती है ना, उससे भी फैंस को मोहब्बत होती है। तो आप तो माशाल्लाह उनके बेटे हैं, तो जब लोग आपसे मिलते हैं तो वो किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं? लोग जब मुझसे मिलते हैं, जहाँ भी पूरी दुनिया में मैं जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, कहीं भी पाकिस्तान में भी, तो लोग इतने प्यार और अकीदत से मिलते हैं। क्योंकि आज अब्बू जिस जगह पर आराम फरमा रहे हैं, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के मज़ार पर हैं अब्बू, वहाँ पर तकरीबन रोज़ तकरीबन 2-2.5 हज़ार आदमी आकर दुरूद शरीफ पढ़ता है, वहाँ पर आकर फूल रखता है, वहाँ पर दुआ मांगता है उनके लिए। तो वो एक बहुत नेक रूह थी जो बहुत जल्दी चली गई, और मैं फैंस का सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं। मैं हर उस आंख का मशहूर हूँ जिसने मेरे वालिद साहब को देखा, हर उस कान का मशहूर हूँ जिसने उनको सुना, और हर उस चेहरे का मशहूर हूँ जो उनको देखकर मुस्कुराया। मैं सबका बहुत मशहूर हूँ। इतना प्यार दिया लोगों ने, उनके फैंस ने। आप यकीन कीजिए, आज अब्बू की दूसरी बरसी है, इतने लोगों ने अब्बू के लिए उमरा किया है, इतने लोगों ने अब्बू के लिए तवाफ किया है। खाना काबा से मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मस्जिद नबी से मुझे कॉल्स आ रही हैं, और ला तादाद कुरान शरीफ पढ़कर बख्शे हैं उनके फैंस ने, और हम भी जितनी पढ़ाई कर सकते हैं हम कर रहे हैं, उनको बख्शते हैं हम। मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब ने हमेशा दिया लोगों को, हसाना भी एक सदका जारी है, और वो बहुत बखूबी तरीके से करते थे। वो कॉमेडी किंग तो थे ही, लेकिन साथ साथ वो एक बहुत बड़े राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, आर्टिस्ट भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे, एक बहुत बड़े सोशल वर्कर भी थे। उन्होंने माँ हॉस्पिटल भी बनाया उसी नस्बत से। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, वो हमेशा मुझे कहते थे कि जवाब इस वतन की मिट्टी का कुछ कर्ज़ है मेरे पे जो मैंने चुकाना है, और वो हॉस्पिटल जो उन्होंने बनाया ये उनकी तरफ से गिफ्ट था फॉर द पीपल ऑफ कराची, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और इसके अलावा भी अब्बू के माजी में अगर आप देखिए तो उन्होंने लाहौर थिएटर बनाया था लाहौर में, तो वहाँ पे कितने आर्टिस्ट थे जिनको उन्होंने रहने के लिए जगह दी थी, कितने आर्टिस्टों को वो सपोर्ट करते थे, कितने घरों का वो राशन देते थे, कितने घरों का चूल्हा जलता था उनकी वजह से। ये मैं शायद एक एक करके तो बताना मुनासिब नहीं समझूंगा, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब एक ऐसी हस्ती थे जिससे ना सिर्फ एक बेटा होने के नाते, एक फ़ैन होने के नाते, और एक पाकिस्तानी होने के नाते,
हम सबको सीखना चाहिए बहुत और हम बहुत सीखते बहुत हैं। अच्छी बात है, बड़ वाकई ऐसा ही था। अच्छा, जो लोग उमर भाई के करीब थे वो जानते थे, इस बात की तस्दीक वो करते थे कि वो बहुत अल्लाह वाले इंसान थे और अल्लाह के बहुत बेशक करीब थे। वो जाहिर नहीं होने देते थे लेकिन मजहब से उनका खास लगाव था। आप इस हवाले से क्या बताएंगे? मैं बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात की है और ये बहुत कम लोगों को पता है। अब तो खैर काफी लोगों को इस बात का पता चल गया। हमारे घर में अब्बू ने एक मस्जिद बनाई हुई थी, छोटी सी एक प्रेइंग रूम था हमारा, जहाँ पे 5 वक्त की नमाज होती थी। मेरे वाले साहब हमेशा बावजू रहते थे, सारी जिंदगी उन्होंने वो बावजू रहते थे हमेशा, वो पाक रहते थे हमेशा, वो 5 वक्त की नमाज अदा करने की पूरी कोशिश करते थे इतनी मसरूफियत होने के बावजूद। और जब भी हम ट्रैवल करते थे, जैसे हम लाहौर से कराची जा रहे हैं या इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं, हम गाड़ी में होते थे तो हमारी गाड़ी में कोई म्यूजिक रेडियो नहीं बजता था, बल्कि अब्बू तीसरे कलमे का विर्द करते थे। उनको उनकी पसंदीदा जो विर्द था वो तीसरे कलमे का विर्द था, दुरूद शरीफ का विर्द था। वो बचपन से ही 5 वक्त की नमाज पढ़ते आ रहे थे। जब वो थिएटर में स्ट्रगल भी करते थे तब भी वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। अगर किसी को ढूंढना होता था अब्बू को तो अब्बू थिएटर की मस्जिद से मिलते थे और वहां पर अपना ज्यादा वक्त गुजारते थे और सफाई भी करते थे मस्जिदों की बड़े शौक से। तो हम जब ट्रैवल करते थे तो अब्बू बातचीत नहीं करते थे, वो उनकी पसंदीदा नमाजों में से एक नमाज सलातुल तस्बीह थी जो वो बड़े शौक से पढ़ते थे। और इतना जिक्र इलाही का शौक था कि अगर हमारे घर पे कोई तकरीब होती थी और सारे आर्टिस्ट और जितने भी अब्बू के दोस्त अहबाब आकर बैठते थे तो उस तकरीब का एहतमाम जो है वो अब्बू करते थे और उसका अख्तिताम वो जिक्र इलाही पे करते थे। यानी कि 3 से 4 घंटे अब्बू जिक्र करते थे और इतना वो डीप जिक्र करते थे कि वो अक्सर उसमें रोना भी स्टार्ट कर देते थे। वो उनको याद करके, खुलफाए राशिदीन को, अम्बिया इकराम को, पैगम्बरान दीन को याद करके रोना स्टार्ट कर देते थे। वो इतना उनको मोहब्बत थी, इतना इश्क था, इतना जुनून था और शायद उसी वजह से आज वो इतनी मुकद्दस जगह पर आराम फरमा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। अच्छा, उमर भाई के आखिरी आयाम के बारे में मैं चाहूँगी आप कुछ यादें जो कि शेयर करें। जो अमनी जाने से पहले जब वो काफ़ी बीमार थे तब आप उनके साथ थे, वो कैसा वक्त गुजरा? कोई ऐसा वाकया जो आपको हमेशा याद रहेगा? देखेंगे, मेरे लिए तो बहुत पेनफुल लम्हा गुजरा वो जो गुजरा, और वो जो टाइम था मैं तो कभी नहीं भूल सकता उसको। बस अब्बू दुआ देते थे उस टाइम पे, दुआएं लिए, उनकी कोशिश की कि उनकी खिदमत जितनी हो सके वो करें, औलाद होने के नाते जितना हम कर सकते हैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमनली जो पॉसिबल है वो आप करते हैं। और मेरे ख्याल से हर एक इंसान अपने माँ बाप के लिए करता ही है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कोई कमाल भी नहीं है, हमारा फर्ज है। मेरा तो ये फर्ज था और है और हमेशा रहेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ पर आपके जितने भी लोग मुझे देख रहे हो सुन रहे हो उनको ये बताना चाहता हूँ कि अब्बू ना बहुत अच्छा लिखते भी थे, शायर भी थे। तो उन्होंने एक शेर लिखा था कि मैं तो खादिम हूँ आपका पुराना, काम मेरा सबको हंसाना, हंसा हंसा के मर जाऊंगा, भूल नहीं पाएगा मुझको ये जमाना। तो ये जमाना नहीं भूलेगा उनकी सर्विसेज को, उनकी खिदमात को, उनके ह्यूमर को, उनकी कॉमेडी को, उनके सोशल वर्कर को, उनकी इंसानियत को, उनके जज्बे को, उनकी सर्विसेज को। इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हम इंशाल्लाह इसको याद रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है आपने कही। अच्छा, मैं चाहूँगी आखिर में जवाब कोई एक ऐसी याद जो कि जब आप अकेले बैठते हैं और अपने अब्बू के बारे में सोचते हैं, एक होता ना कि इंसान की इमेजिनेशन में आता है कि यार हम यहाँ ऐसे बैठे थे और अब्बू ने मुझे ये बात कही थी, कोई ऐसा वाकया जो कि आप सुनाना चाहें? अब्बू अब्बू ने मुझे, जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, हर एक बात एक वाकया है। बस अब्बू की जो सीट थी जहाँ पे अब्बू बैठते थे, अब मैं उस पर किसी को नहीं बैठने देता, वो ऐसी ही अब्बू के लिए रखी हुई है और उस पर कोई नहीं हमारे घर का फर्द बैठता। वो अब्बू की चेयर थी, वो वैसी ही है। उनके कपड़े, उनके जूते, वो सब मैं यूज़ करता हूँ। उनकी वॉच, उनकी सब चीज़ें जो वो मुझे देकर गए थे वो मेरे पास हैं, वही उनकी मेरी याद है। और मतलब अब्बू के साथ गुजारा हुआ हर एक लम्हा जो है वो यादगार है मेरे लिए। तो कोई एक स्पेसिफिकली तो बताना मुझे, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने आखिरी आयाम में भी लोगों की मदद की। उन्होंने, वो जो बीमार थे तब भी वो कोशिश करते थे कि किसी की हेल्प हो जाए। वो अपने नाम को इस तरह यूज करते थे कि किसी की मदद में उनका नाम यूज हो। किसी को हॉस्पिटल में अगर दाखिल करवाना है, किसी की नौकरी लगवानी है, तो वो वहां पर अपने ताल्लुकात यूज करते थे, वहां पर वो उमर शरीफ साहब अपना नाम यूज करते थे। तो उनका किरदार बहुत बड़ा था और अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, मेरी दादी अम्मा से। उन्होंने बड़ी उनकी खिदमत की है और उसी की निस्बत से उन्होंने माँ हॉस्पिटल बनाया। बल्कि दादी अम्मा को देखकर उन्होंने एक शेर लिखा था कि मेरी आंखों को तेरी आदत है, मेरी आंखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तो दुनिया में है रब की पहचान, मेरा ईमान है मेरी माँ। तो मेरे ख्याल से हम सबको अपनी माँ बाप का, अपने माओं का, अपने वालदेन का ख्याल करना चाहिए, उनका अदब करना चाहिए, उनको उनके साथ जो टाइम हो वो बेस्ट गुजारना चाहिए, क्योंकि ये वो हीरे मोती हैं जो एक दफा ही जिंदगी में मिलते हैं, इंसान को बार बार आते नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक दफा जब आ जाए तो आपको जितनी उनकी कदर करें हम कम है वो।
बेशक बेशक, और बड़े खूबसूरत ये मैसेज है जो कि आपने दिया है, बहुत शुक्रिया आपका जवाब। आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बड़ी खूबसूरत यादें अपने वालिद की हमारे साथ शेयर की, और हमारे रहमत में उनको जगह अता फरमाए, और हमारी दुआएं हैं उनके लिए क्योंकि उन्होंने कौम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी। वो लोग जो दिल उदास होते थे तो ख़ास तौर पर उनका थिएटर शो लगाते थे कि भाई ये देखते हैं कुछ मुस्कुराहट आएगी, कुछ परेशानियाँ भूल जाएंगे, तो ऐसे लोग बड़े कम होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।